कैसे देखते हैं जो लगातार वैकेंसी निकल रही है उसको? देखिए ऐसा है, आरक्षण के मामले में जो आरक्षण छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र लोगों को मिलना था, अगर वह इतने दिनों तक नहीं मिल पाया, भर्ती रुकी रही, पदोन्नति रुकी रही, लोगों में हताशा और निराशा का वातावरण रहा, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी दोषी हैं। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर भर्ती हो, क्योंकि उनके पास तो फंड ही नहीं है, खजाना खाली है, भर्ती करेंगे तो लोगों को पैसा कहाँ से देंगे, तनख्वाह कहाँ से देंगे। इसलिए वो चाहते थे कि चुनाव की आचार संहिता लग जाए और भर्ती रुकी रहे, और इसलिए अपनी गलती को छुपाने के लिए वो दूसरे पर आरोप मढ़ना, ये उनके स्वभाव में है, काम करना है नहीं। छत्तीसगढ़ में पूरा जो शासन और प्रशासन है अब कोलैप्स होने की तैयारी में है, तो ये जो सारी चीजें हैं, सरकार को सरकार चलाना चाहिए। भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के नेताओं का जो हम बयान देखते हैं रोज, ऐसा लगता है कि अभी भी वो विपक्ष में है और विपक्ष की मानसिकता से वो उबर नहीं पाए। देखिए 5 साल में जनता के पास में जाकर के हिसाब देने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष जो है वो खाता बही लेकर के जाता है, लेकिन आरोप मढ़ना सत्ता पक्ष का काम नहीं है, सत्ता पक्ष का काम है काम करके जनता को दिखाना। ये सीएम भूपेश बघेल ऐसा नहीं तो कहाँ से देंगे पैसा, भर्ती तो कर रहे लेकिन पैसा कहाँ से देंगे, इस तरह के बयान दे रहे। नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे और बजट भाषण में मैंने कहा था 3 राज्य है जहाँ कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। भारत सरकार ने खुद सांसदों के जो MP-LED है उसको 2 साल तक ख़त्म कर दिया, उनके तनख्वाह 30% कटौती कर दी। तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है कि भारत सरकार की अच्छी है? FRBM एक्ट का वायलेशन भारत सरकार कर रही है, तो जितना कर्ज भारत सरकार ने अब लिया है उतना कर्ज कभी नहीं लिया गया था। तो नारायण चंदेल जी जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें। तरफ प्रदेश सरकार जो शिक्षा और अन्य तरह के जो रोजगार रहे हैं उनको मुहैया कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले लोगों की मांग है वो पूरी करनी चाहिए? देखिए ऐसा है, राजस्व विभाग का पूरा अमला बैठ गया है। आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, लोगों के नामांतरण नहीं हो रहा है, नया पर्ची नहीं बन रहा है, सीमांकन नहीं हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर शिकायत है तो राजस्व विभाग की है। आप नज़दीक के गांव में चले जाइए, राजधानी के 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल से सारे प्रकरण पेंडिंग है, इनका हमला करता क्या है? शासन का प्रशासन पर ऐसा लगता है कि कोई पकड़ नहीं। सर्वाधिक प्रकरण राजस्व विभाग के लंबित है और भ्रष्टाचार का इस विभाग में इतना आलम है कि गांव में रहने वाला आम आदमी, किसान आदमी, जिसको भी राजस्व विभाग से अगर काम पड़ जाए तो
उसकी जो दुर्गति होती है वो वही बयां कर सकता है। रही बात पटवारियों के हड़ताल पर जाने की, शासन को चाहिए कि पटवारी हो या कोई भी संगठन हो, उनसे बुला करके बातचीत करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए और चर्चा के माध्यम से समस्या के निराकरण तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस सरकार में दुर्भाग्य ये है कि संवाद किसी से नहीं है, और अभी सिर्फ पटवारी नहीं है, अभी तो बहुत से शासकीय कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जाने वाले जो हमको जानकारी मिलती है। और उसका एकमात्र कारण है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना झूठा जन घोषणा पत्र जारी किया, उससे लोगों में आक्रोश है। तुष्टिकरण पे गुलाम हो चुकी है कांग्रेस साथियों ने कहा बजरंग बली का कि जय बुलाने में तकलीफ हो रही कांग्रेस को। बजरंग बली बोलने में कोई किसी कोई तकलीफ नहीं, तो छत्तीसगढ़ में रामायण कराते हैं, 15 साल इनके राज हुआ, कभी कराए? कभी कौशल्या माता का मंदिर बनवाए, जीर्णोद्धार कराए? श्री नारायण के राज्य में राम की मूर्ति किसने स्थापना की? और पूरे राज्य में हम न केवल रामायण करा रहे हैं बल्कि जो रामायण समिति है उसको भी 5,000 रुपया हम लोग सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये दोनों को एक ना करें, बजरंग बली जी हनुमान जी अलग हैं, वो हम सब के आराध्य हैं। और ये जो कह रहे हैं मोदी जी अब 40% कमीशन के बारे में क्यों नहीं बोलते भाई, अडानी के बारे में क्यों नहीं बोलते? जब से अडानी घटना हुआ है तब से एक बार भी नहीं बोले। देश के सारे अभी अब अरुणाचल प्रदेश में आग लगी है, 12 में से 8 जिला में देखते ही गोली मारने का आदेश है, डबल इंजन की सरकार है वहाँ, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जो खुद के बारे में बताएं, अपनी पार्टी के बारे में बताएं, करप्ट लोगों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में बोले? थैंक यू। नारायण चंदेल कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में है, चुनाव के नजदीक आके बीजेपी का दामन थामे। नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में तो रह लें, बस्तर में बैठक होती नारायण चंदेल जी गायब रहते हैं नेता प्रपक्ष। तो ये जितने नेता हैं पुराने, जिसमें रमन सिंह जी हो गए, धरमलाल कौशिक जी हो गए, नारायण चंदेल जी, सबको नेपथ्य में ठकेल दिया गया।